हेलो फ्रेंड्स, गोल्ड जोन में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ डाटा रिकवरी सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो मैं जब भी वीडियो लाता हूँ तो आपको पता होना चाहिए, मैं वेरीफाई करके लाता हूँ। कोई वीडियो मैं खुद ट्राई करता हूँ, खुद वेरीफाई करता हूँ, तब मैं वीडियो वो लॉन्च करता हूँ। ओके, तो ये मैं वीडियो ले आया हूँ, मैं सोच समझ कर लाया हूँ। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर मुझे लिस्ट में मिला रिकवरी सॉफ्टवेयर, लेकिन सबसे बेस्ट मुझे यही लगा, मुझे सबसे बेस्ट यही लगा। और इसमें क्या है कि थोड़ा सा आपको डिमांड देना पड़ता है, यानी कुछ पेमेंट करना पड़ता है, लेकिन सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अगर मान लीजिए कि आपका डाटा लॉस्ट हो गया है, यानी कि डिलीट हो गया है, या फिर गलती से फॉर्मेट हो गया है, या पेन ड्राइव हो, या मेमोरी कार्ड हो, या फिर आपका हार्ड डिस्क का हो, ये सारा डाटा आप रिकवरी कर सकते हैं। ओके, ये कैसे करना है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले मैं बताना चाहूंगा, मेरा गूगल जो चैनल है, ये चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ बेल आइकन को ऑल पे टिक कीजिए, ताकि मैं इस तरह की वीडियो जब भी लाऊंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि टेंसर फोर DDIG। ओके, ये सॉफ्टवेयर बहुत ही बेस्ट सॉफ्टवेयर है रिकवरी सॉफ्टवेयर के लिए। अगर मान लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन है, जैसे कि आपका मोबाइल का शॉप है, और आप चाहते हैं कि कोई भी कस्टमर आए कि मेरा रिकवरी कर दो। कोई कस्टमर बोलता है कि मुझे पेन ड्राइव से कोई डाटा डिलीट हो गया, वो रिकवरी करना है, या फिर हार्ड डिस्क से डिलीट हो गया, या फिर फॉर्मेट हो गया, तो आप ये सॉफ्टवेयर लेकर परचेज करके रिकवरी कर सकते और पैसा भी आप कमा सकते अच्छे खासे। ओके, आप अर्न भी बहुत अच्छे खासे मनी कर सकते। या फिर आपको कोई इंपॉर्टेंट डाटा था, जैसे कि आपका कोई फोटो था, वीडियो था शादी का, या फिर कोई इंगेजमेंट या रिसेप्शन बर्थडे पार्टी का, आपका वो डिलीट हो गया या फिर फॉर्मेट हो गया, तो आप वो डिलीट किया हुआ डाटा को फिर से वापस रिकवरी कर सकते हैं। और कोई इसमें कोई झंझट नहीं है, और कोई भी ब्लगलिंग नहीं है, मतलब कि एकदम क्लियर, एंड जो डाटा आपका रियल था वही डाटा आपका वापस आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं इसके बारे में डिटेल्स बताने जा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, क्रोम ओपन करना है। ओके, क्रोम ओपन करते एक सॉफ्टवेयर का नाम आपको टाइप करना है यहाँ पे। तो मैं आपको बता देता हूँ सॉफ्टवेयर कौन सा है, मैं नाम यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले गूगल टाइप कर लेता हूँ, गूगल खुल गया। और गूगल खोलते ही यहाँ पे मैं शॉर्टकट में 4DDI दे देता हूँ, 4DDIG। ओके, FDDIG। ओके, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4DDIG। ओके, मैं F दे दिया था गलती से, तो यहाँ पे 4। ठीक है, ये डालते ही इसका आपका लिंक आ जाएगा आपके पास। ओके, और यहाँ पे पहला लिंक पे आपको क्लिक करना है। ओके, ये 100% जेन्यून है, और ये जो रिकवरी सॉफ्टवेयर है इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। तो आप यहाँ पे देखिए, फ्री डाउनलोड का भी ऑप्शन है और यहाँ पे बाय। तो फ्री डाउनलोड में आप जानते हैं जैसे कि दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्री डाउनलोड में कुछ हद तक किसी चीज़ का लिमिट होता है। अगर आपका डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, या फिर बिजनेस करना चाहते हो आप रिकवरी करने के लिए, तो फिर आप चूज करो ये कि आप बाय नाउ पे क्लिक करो। अगर फ्री डाउनलोड इसके लिए है जो इंपॉर्टेंट कोई खास डाटा नहीं है, आप टेम्पोरी टेस्ट के लिए या फिर रिकवरी करना चाहते हो, तो फिर वो चीज़ के लिए आप फ्री कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि मेरे थ्रू जो भी आप, मैं लिंक एक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो आप जब डाउनलोड करोगे वो लिंक के थ्रू, तो आपका 30% ऑफ हो जाएगा। ओके, तो मैं इसे काट देता हूँ यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे कूपन भी है जो मैं लिंक दिया हूँ, उसके थ्रू कूपन भी आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, फर्स्ट विजिट 5 डिवाइस के लिए, ये जो देख सकते हैं 1 मंथ के लिए, ये है मतलब 1 मंथ के लिए आपका ये चार्ज लगेगा। ओके, यानी $45, 45-46 बोल सकते हो आप इसे। आप $41 को आप 70 रुपीज़ के अप्रोक्स आप कन्वर्ट कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने पैसा लग रहा है। ओके, यहाँ देखिए 1 साल के लिए है 49, यानी कि समझो $50। ओके, और यहाँ पे देखिए ये लाइफ टाइम के लिए है, लाइफ टाइम। तो आई थिंक लाइफ टाइम लेने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि 69.95, यानी कि $70 में आपको लाइफ टाइम मिलेगा हमेशा के लिए। अगर कोई बिजनेस करते हो या कुछ भी, तो आपका ये पैसा रिकवरी भी हो जाएगा, ये हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लाइफ टाइम ले, मेरे हिसाब से आप लाइफ टाइम लो, बाकी आप अदर अपना अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कुछ ऑफर वगैरह मिलता है कि नहीं। जो प्राइस है $70, तो मैं चाहता हूँ कुछ इसमें डिस्काउंट हो जाए। तो मैं 30% डिस्काउंट होने के लिए एक कूपन मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वो कूपन आप जैसे ही डालोगे तो इसका प्राइस आपका डिस्काउंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो प्राइस दिखा रहा है ये, यानी कि $70। ओके, तो इसका जो आप 70 से गुना करोगे तो अप्रोक्स से 7200 के आसपास आएगा, यानी कि 71,000, 7196। ओके,
तो ये आएगा। तो यहाँ पे क्या है, रिडीम कूपन का एक ऑप्शन है, तो यहाँ पे क्या है कि आप कूपन कॉपी करके, मेरे डिस्क्रिप्शन में वो लिंक रहेगा कूपन का, आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके अगर इसे पेस्ट करोगे आप, ओके, तो आपका जो है ये 30% डिस्काउंट हो जाएगा। देखिए कूपन यही है, फ्री डाउनलोडेड ट्रेन स्टोर फॉर DDIG, और ये लिंक पे क्लिक करना है आपको, और 30% कूपन, ये कूपन के थ्रू आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ओके, तो मैं ये ट्राई करता हूँ ये कूपन देकर डिस्काउंट होता है या नहीं। ओके, मैं वहाँ पे कॉपी कर लिया था, फिर इसको अपडेट करता हूँ। यहाँ अमाउंट देखिए आप कितना है, आप देख सकते हो कूपन एंट्री इनवैलिड। ओके, तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ, कूपन कूपन गलत डाला गया है मेरा। तो ये कूपन यहाँ पे मैं डाल चुका हूँ, देखिए रिडीम कूपन, और ये कूपन जो है ये सेम है, बट यहाँ पे डैश नहीं था, मैं डैश यहाँ पे डाल रहा था जिसके कारण गलत हो गया था। ओके, तो यहाँ पे देखिए अपडेट करते ही 30% डिस्काउंट। तो ये जो आप कूपन देखिए, मैं कूपन जैसे ही डाला फिर अपडेट किया, यहाँ पे 30% डिस्काउंट हो चुका है, यानी कि 2158 रुपये का डिस्काउंट, यानी कि 5,000 पड़ेगा लाइफ टाइम के लिए। तो फिर भी अच्छा है, क्योंकि अदर सॉफ्टवेयर से मैं मिला के देखा हूँ वो प्राइस के मामले में भी कम है, और ये सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर मैं खुद ट्राई किया हूँ। देखिए मैं ट्राई इसका यूज करके दिखाता हूँ ये सॉफ्टवेयर का, जैसे कि मैं ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर चुका हूँ। ओके, और डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल भी कर चुका हूँ, ओपन करता हूँ इसे। तो ओपन करते ही देखिए आपको कुछ यहाँ पे दिखेगा, एक USB मैं अलग से डाला हूँ, यहाँ पे मेरे एक USB डिवाइस है जो जिसमें सारा कुछ है मेंशन। तो मैं चाहता हूँ कि वो डिवाइस से सारा कुछ डिलीट करके फिर से रिकवर करके दिखाऊँ आपको। ओके, यहाँ देखिए, तो मैं फिलहाल ये और ये और फोटो डॉक्यूमेंट्स और ये एप्पल सॉन्ग मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, डिलीट, अगर आप फॉर्मेट में आते हो फिर भी आपका काम चला जाएगा। तो मैं डिलीट कर दिया, डिलीट करके मैं रिकवरी करने की कोशिश करता हूँ। अभी मैं ओपन करता हूँ फिर से, इसमें वो चीज़ है या नहीं, तो ये डिलीट हो चुका है। ओके, और मैं रिकवरी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। अगर आप रिसेंट से भी डिलीट कर सकते हो तब भी वो रिकवरी हो जाएगा। ओके, तो इसमें जाता हूँ मैं फाइल में, और क्या क्या रिकवरी करना है, तो मुझे ये करना है, ऑडियो फोटो वीडियो तो नहीं था, डॉक्यूमेंट्स था, ओके, अदर भी नहीं था। स्कैन करता हूँ और देखता हूँ ये फाइल रिकवरी होता है या नहीं जो डिलीट हुआ है। यहाँ पे देखिए फास्ट स्कैनिंग हो रहा है 10%, और यहाँ ये स्कैनिंग करते करते ये 100% होगा, तो मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ इसके लिए, मैं वेट कर लेता हूँ, 100% का इंतज़ार करता हूँ। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं ये जो है मैं रिकवरी कर रहा हूँ, जो कि 50% तक अभी तक रिकवरी हो चुका है। ओके, और यहाँ पे 50% बाकी है, क्योंकि मेरा डाटा जो है पेन ड्राइव का वो 32 GB का था। ओके, तो थोड़ा टाइम लगा रहा है, लेकिन वो रिकवरी परफेक्ट लेगा। जैसे कि मैं ये एप्पल सॉन्ग का डिलीट किया था, देखिए यहाँ पे आ चुका है, ये डिलीट वाले ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, जैसे मैं बताऊँगा आपको ओपन करते ही। मैं इसमें जाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे एप्पल सॉन्ग कुछ है नहीं ऐसा, और ना ही कुछ ऐसा फोटो वगैरह है, तो मैं इसको रिकवरी करने की कोशिश करता हूँ एप्पल सॉन्ग को। तो एप्पल सॉन्ग पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं रिकवर पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो रिकवर कहाँ करना है, तो मैं इसी में रिकवर करना चाहता हूँ। ओके, एज ए न्यू फोल्डर मैं रिकवर करना चाहता हूँ, तो मैं रिकवर, और यहाँ पे देखिए रिकवर, तो देखता हूँ वो जो भी ऑडियो डिलीट हुआ था, मैं रिकवर जो कर रहा हूँ वो अच्छी तरह रिकवर हुआ या नहीं हुआ, और ये सॉन्ग बज रहा है या नहीं। तो व्यू रिकवर्ड पे जाता हूँ। ओके, डिलीट फाइल एप्पल सॉन्ग, देखिए ये आ चुका है, जो भी मैं डिलीट किया था वो आ चुका है। मैं एक सॉन्ग एज ए बजा के देखता हूँ इसे, हाँ, तो ये कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है। ओके, और मैं दो फोटो था जो मैं फोटो रिकवर करना चाहूँगा, एक तो फोल्डर फाइल था और फोटो मैं देख लेता हूँ। देखिए ये फोटो सब भी आ चुका है, तो मैं इसे भी रिकवर कर लेता हूँ। ओके, रिकवर, और रिकवर कहाँ करना है, तो मैं इसी न्यू फोल्डर में रिकवर करता हूँ। ओके, रिकवर, ओके, तो रिकवर हो चुका है, और मैं इसे ओपन करके देख लेता हूँ एक बार। देखिए जो फोटो मैं डिलीट किया था, ओके, तो वो फोटो भी आ चुका है यहाँ से,
वो फोटो भी आ चुका है, मतलब कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है। यानी कि ये जो ऐप है, ये जो सॉफ्टवेयर है, आप इसका यूज कर सकते हो रिकवर करने के लिए। बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे, इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि और भी लोगों के पास फैलाए, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और दोस्तों के बीच बीच ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या फिर और आप लोगों को जानकारी दे सकते हैं लिंक के थ्रू, ओके, कि ये रिकवर सॉफ्टवेयर है। और अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और यहाँ बेल आइकॉन को ऑल पे टिक कीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो में जब भी लाऊंगा टेक्निकल वीडियो, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।